हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री स्टडी। आज हम करेंगे 1 सितंबर एंड 2 सितंबर दोनों डेट्स के करंट अफेयर्स। कल करंट अफेयर्स अपलोड नहीं किए गए थे क्योंकि साइट पे लेट नाइट तक भी अपलोड नहीं थे, इसलिए करंट अफेयर्स नहीं अपलोड हो पाए। सो वी आर विद द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन पैरा एथलीट टू बी कॉन्फर्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है दीपा मलिक को, एंड ये पहली इंडियन वुमेन पैरा एथलीट हैं। अगस्त 28 को इन्हें यह अवार्ड दिया गया, जो कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने इन्हें दिया राष्ट्रपति भवन के अंदर, बिकॉज शी इज़ द फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन पैरा एथलीट टू विन दिस। इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इशू BSID। BSID का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है बायोमेट्रिक सी फेरर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, जो कि सी फेरर्स का फेशियल बायोमेट्रिक डाटा कैप्चर कर पाएगा। इन विच एक्सचेंज वी कैन एक्सचेंज कॉमोडिटीज़? सो हम कॉमोडिटीज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं NMCE पर, दैट इज़ योर नेशनल मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज, एंड ये पहला डी म्यूचुअलाइज इलेक्ट्रॉनिक मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज होगा, जो कि लोकेट किया जाएगा अहमदाबाद के अंदर, जहाँ पर गोल्ड, सिल्वर, कॉफ़ी, कॉर्न, सोयाबीन्स ये भी ट्रेड किए जाएंगे। ओके, एंड ये कॉमोडिटी एक्सचेंज हैज़ द इन्वेस्टमेंट फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस एज वेल। वेयर वॉज द नेशन वाइड फिट इंडिया मूवमेंट बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च? तो यस, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च की है। कहाँ? न्यू दिल्ली के अंदर। विच नेशन हैज़ लॉन्च्ड इट्स ओन स्पेस कमांड? सो ये स्पेस कमांड लॉन्च किया है यूनाइटेड स्टेट्स। US के प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पहला US स्पेस कमांड लॉन्च कर दिया है ऑन 29 अगस्त, एंड इट ये जो कमांड होगी स्पेस कमांड, ये न्यूएस्ट US मिलिट्री कॉम्बेटेंट कमांड होगी एट द रोज गार्डन इन व्हाइट हाउस। इंडिया का पहला स्काई साइकिलिंग पार्क कहाँ खुला है, जो कि 9000 फीट के ऊपर है? सो इट इज़ इन मनाली, मनाली के अंदर ये खोला गया है। हु वॉज पॉपुलरली नोन एज द विजर्ड ऑफ इंडियन हॉकी एंड इंडियाज ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर एवर? सो ये हैं मेजर ध्यानचंद, जिन्होंने काफ़ी सारे गोल्ड मेडल्स जीते थे, एंड अराउंड 3 गोल्ड मेडल्स जीते थे 52 से लेके। सो ही वॉज एन इंडियन हॉकी प्लेयर एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर्स इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। बंदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? बंदीपुर नेशनल पार्क इज इन कर्नाटका। बंदीपुर नेशनल पार्क 874 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, एंड इट इज़ नोन फॉर इट्स स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स। नाउ वी विल डू द करंट अफेयर्स ऑफ 2 सितंबर 2019। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सैमसंग इंडिया इंक्स विद डैश एंड RBL बैंक फॉर मोबाइल पेमेंट्स थ्रू सैमसंग पे। सो सैमसंग पे के थ्रू सैमसंग इंडिया ने किसके साथ मीन्स लिंकअप किया है? एक RBL बैंक के साथ किया है, एंड अनदर वन इज़ हु, जिसके साथ मोबाइल पेमेंट्स का जो काम है वो ईजी हो सकेगा? सो द करेक्ट आंसर इज़ मास्टर कार्ड। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दिखाती हूँ। अमेरिकन की मल्टी नेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कॉरपोरेशन है मास्टर कार्ड, एंड इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक RBL बैंक एंड सैमसंग इंडिया, इन तीनों ने मिलकर सैमसंग पे लॉन्च किया है, ताकि जो बैंक की पेमेंट्स हैं, क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स हैं, उनको थोड़ी इजीनेस प्रोवाइड की जा सके। ये जो टाई अप है, ये हेल्प करेगी कि जो इंडिया के RBL बैंक के कस्टमर्स हैं वो काउंटलेस ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, एंड देयर विल बी नो अफ्रेड और देयर विल बी नो फियर ऑफ एनी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का कोई भी डर नहीं रहेगा। पेमेंट जो है वो आप किसी भी POS मशीन, पॉइंट ऑफ सेल मशीन से कर सकते हैं, जहाँ पे आप कार्ड को डिप करेंगे, स्वाइप करेंगे, टैप करेंगे, या फिर एंड इंडिया हो या चाहे अब्रॉड हो, तो आप बिना कार्ड के फिजिकल प्रेजेंस के थ्रू भी उस कार्ड को यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल पेमेंट को यूज़ कर सकते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज़ विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैव साइंड अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट टू रोल आउट बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया? सो गूगल ने, द आंसर इज गूगल, गूगल एंड मिनिस्ट्री ऑफ, दैट इज़ MOEIT, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दोनों ने मिलकर बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया ये साइन किया है। ये एक ऐसा प्रोग्राम होगा जहाँ पे जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है,
कॉलेज में जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिलेगा कि वो एक ऐसा सॉल्यूशन बना सकें, जो सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें एड्रेस करने के लिए मार्केट रेडी एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस बना सकें। इस प्रोग्राम के अंडर जो एप्लीकेंट्स होंगे वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स अ न्यू लोगो एंड सर्टिफिकेट डिजाइन रिसेंटली? सो द करेक्ट आंसर इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को एक नया लोगो और एक नया सर्टिफिकेट डिज़ाइन मिला है एंड इट इज़ अनवील्ड एट अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फिल्म इंडस्ट्री, जो कि मुंबई के अंदर प्रोग्राम हुआ था। एंड जो न्यू लोगो है एंड जो सर्टिफिकेट आइडेंटिटी है वो जो चेयरमैन है CBFC के, उन्होंने रिवील किया। एंड न्यू डिज़ाइन जो है वो शो करता है अबाउट द डिजिटल इंडिया, न्यू डिजिटल इंडिया। And it has been designed by the designer Shri Rohit Devgan. Okay. Name the union minister who visits Russia to strengthen cooperation in energy and steel sectors. So the correct answer is Shri Dharmendra Pradhan. इसका मैं explanation आपको दिखाती हूँ। Petroleum, natural gas and steel, steel के जो minister हैं that is Shri Dharmendra Pradhan, वो एक business delegation के लिए oil and gas के लिए रशिया गए थे and वहाँ पे एक एक्टिव उन्होंने रिलेशनशिप बनाया, मजबूत करने की कोशिश की बिटवीन इंडिया एंड रशिया इन द एनर्जी एंड स्टील सेक्टर्स। एंड जो रशियन के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं एंड प्रेजिडेंशियल हैं, सो दे बोथ इन्जॉयड दिस, ओके, एंड दे बोथ एनवॉय दिस। सो जो भी डिस्कशंस हुई वो यही हुई कि किस तरीके से कॉपरेट किया जा सकता है बिटवीन इंडिया एंड रशिया ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एंड स्टील सेक्टर्स। जलद सक्सेना हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू सेट्स अ रेयर रिकॉर्ड इन इंडियन फर्स्ट क्लास क्रिकेट हिस्ट्री। ही इज़ फ्रॉम विच स्टेट? सो ही इज़ फ्रॉम केरला। जलद सक्सेना जो कि इंडिया के पहले ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने बहुत ही कम, मतलब जो रेयर रिकॉर्ड बनता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर, वो बनाया है। एंड जलद सक्सेना जो हैं बेसिकली ही इज़ एन ऑलराउंडर हैं वो। एंड रिकॉर्ड उनका ये रहा कि उन्होंने जो दुलीप ट्रॉफी थी बिटवीन द इंडियन रेड एंड इंडिया ब्लू, जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में खेली गई थी, सो वहाँ पर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। 3 विकेट ली थी उन्होंने इंडियन ब्लू के लिए। एंड विद हिज ही बिकेम द ओनली क्रिकेटर टू स्कोर 6,000 रन्स इन द फर्स्ट क्लास क्रिकेट एज वेल एज 300 विकेट्स एंड स्टिल नॉट हैव प्लेड फॉर टीम इंडिया। विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड न्यूक्लियर कैपेबल सर्फेस टू सर्फेस बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी? सो येट इज येस इट हैज़ बीन सक्सेसफुली टेस्टेड बाई पाकिस्तान। पाकिस्तान ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है न्यूक्लियर सर्फेस टू सर्फेस बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का नियर कराची इन बलूचिस्तान। एंड ये जो मिसाइल है वो इस मीन्स मकसद से बिल्ड की गई है ताकि जो न्यूक्लियर एंड जो कन्वेंशनल रेंज है वो 290 किलोमीटर तक अवेलेबल हो सके। एंड इट विल बी प्लेस्ड अंडर द मीडियम रेंज बैलिस्टिक स्टाइल्स एंड टेस्ट के दौरान इसे ट्रैक किया NDC ने, दैट इज़ नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स ने। विच यूनिवर्सिटी वॉन द मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2019? सो द करेक्ट आंसर इज़ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी ने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीती है। दिस कंट्री विल ट्रेन 4 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स फॉर इंडियाज एम्बिशियस मैंड मिशन टू स्पेस गगनयान। सो द करेक्ट आंसर इज़ रशिया। रशिया जो है वो इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन करेगी ताकि गगनयान के लिए वो लोग रेडी हो सके एंड मिशन पर जा सके। सो दे विल बी ट्रेंड एट रशियन फैसिलिटीज़ और एक स्पेशलो इसरो यूनिट भी इस्टेब्लिश की जाएगी एम्बेसी मॉस्को के अंदर ताकि कॉपरेशन बढ़ सके बिटवीन इंडिया एंड रशिया। हु अमंग द फॉलोइंग टुक चार्ज एज द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन आर्मी? सो इंडियन आर्मी के नए वाइस प्रेजिडेंट बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल मुकुंद नरावने। ओके, सो मुकुंद नरावने को नया चीफ बनाया गया है इंडियन आर्मी का एंड ही सक्सीडेड लेफ्टिनेंट जनरल डी अनबू को एक तरीके से उन्होंने रिप्लेस किया है। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू कम्प्लीट द 555 किलोमीटर्स लॉन्ग मैराथन एट 10th एडिशन ऑफ ला
अल्ट्रा द हाई मैराथन 2019 हेल्ड इन लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर. सो द करेक्ट आंसर इज़ आशीष कसोडेकर. आशीष कसोडेकर जो कि पुणे से हैं, उन्होंने फ्लैग को फ्लैश किया बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट द 555 किलोमीटर्स लॉन्ग मैराथन एट 10th एडिशन ऑफ ला अल्ट्रा द हाई मैराथन जो कि लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हुई. एंड ही केम इन थर्ड एट 126 आवर्स एंड 18 मिनट्स टू फिनिश द डिस्टेंस. वेयर डिड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर हैज़ अनवील्ड अ स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी रिसेंटली. सो द करेक्ट आंसर इज मॉस्को रशिया. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने एक नया स्टैचू महात्मा गांधी का इंडियन एम्बेसी मॉस्को रशिया में अनवील किया है ऑन द ओकेजन ऑफ गांधीज 150th बर्थ एनिवर्सरी. सो यस द आंसर इज मॉस्को रशिया. इंडिया रैंक्स डैश ऑन ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे बाय आईपीएसओएस. सो द हमारा जो पोजीशन आया है वो 9th. ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया का रैंक 9th आया है आउट ऑफ 28. एंड इंडिया में देखिए बेसिकली पहले 83% से ड्रॉप तो हो गया है, 77% पे आ गई है हैप्पीनेस, बट स्टिल वी आर एट द 6th पोजीशन. Who written the book titled Obama the Call of History? So it has been written by Peter Baker. ये book है बराक ओबामा के ऊपर जो कि former US के president रह चुके हैं. and इस book का नाम रखा गया है Obama the Call of History, जिसे Peter Baker ने लिखा है. chief White House correspondent हैं ये New York Times के लिए. and इन्होंने Obama के जो भी years रहे office के उनकी बहुत ही in-depth account की information दी है. and it has been published by Penguin India. Who inaugurated the 26th Ladakhi Kisan Jawan Vigyan Mela inaugurated by Rajnath in Leh? So the correct answer is Shri Rajnath Singh. Iska main explanation aapko dikhati hoon. Ye 26th edition tha Ladakhi Kisan Jawan Vigyan Mela ka, jo ki Leh based Defense Institute of High Altitude Research of DRDO, that is Defense Research and Development Organization, ne inaugurate kiya. And it was organized by the Union Defense Minister Shri Rajnath Singh. Who headed the National Green Tribunal? NGT बहुत important है, NGT से related questions बहुत पूछे जाते हैं. कौन हेड करता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को? एंड हु हेडेड एंड किसने सजेस्ट किया है डैट अबाउट द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर्स फॉर वाटर बॉडीज़ इन दिल्ली? सो द करेक्ट आंसर इज़ SP गर्ग. एक्चुअली जो NGT की कमेटी है वो ये फॉर्मर हाई कोर्ट जज रह चुके हैं जस्टिस SP गर्ग, जिन्होंने ये सजेस्ट किया कि दिल्ली में जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं उन सभी को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर्स दिया जाएगा आफ्टर प्रॉपरली डीमार्केटिंग दैम and mapping them on GPS platform so that we can conserve them. So GPS ka full form hota hai global positioning system. Thank you so much. Today's current affairs are done, and if you have any doubt related to any question, please write down in the comment section.